फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बिंदा जी एस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जी एस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, फाइनली आज जो एडवर्टीजमेंट नंबर 47/2023 ग्रुप 10 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैकेनिक्स जो कि एक विवादित पोस्ट था, फाइनली उसका एग्जाम आज कंडक्ट करा लिया गया है। अगर जो भी कैंडिडेट 156 जो पोस्ट है, बाद में जो भी एड ऑन हुआ है, जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल किए हैं, उसके आधार पे ये कट ऑफ है। पूरे एक साइंटिफिक वे में ये कट ऑफ आपको दिया जा रहा है। और देख लीजिए, जो भी कोरिगंडम जो नोटिस आया था और जो 25 अक्टूबर तक जो फॉर्म फिलअप किया गया, उसके आधार पर ये कैंडिडेट की संख्या कुछ बढ़ी है, ज़्यादा नहीं बढ़ी है। उसके आधार पे जो 4/1/2024 को फाइनली जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक्स, इलेक्ट्रो मैकेनिक्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का, और पेपर वाकई में बहुत ही अच्छा था, मॉडरेट पेपर था, इजी नहीं कह सकते हैं पेपर। तो मेल और फीमेल की कट ऑफ जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितना पोस्ट है, आपको भी इस ये बात से तसल्ली हो जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है आपका ग्रुप 10 का, ठीक है। और ग्रुप 10 में आप लोग देख सकते हैं मैकेनिक्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, तो टोटल 156 पोस्ट है, ठीक है। और 25/10 को फाइनली ये आपका लास्ट डेट था, उसके आधार पे ये कट ऑफ है। अगर इस रेंज में जितने भी लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो जनरल मेल की बात कर ले हम लोग, तो जनरल मेल में अगर जो भी लोग 58-61 है तो सेफ है। फीमेल 51-54, ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 57-60 फीमेल, 50-53 ईबीसी की बात कर ले तो 55-57 फीमेल, 47-50 और ओबीसी 56-58 फीमेल, 49-52 एससी की बात कर ले तो 53-56 और फीमेल की बात करें तो 44-47 एसटी 54-57 और फीमेल 46-49 मेल। अगर 54 से 57 है तो वो भी सेफ है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद है, तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको जो भी ऑफिशियल अपडेट मिलता रहे वो आपको तुरंत पता चल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम, कीप कंटिन्यू प्रिपरेशन। और एक बार मैं और कहूँगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऑफिशियल अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि बिंदा जीएस फोरम के माध्यम से आपको जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी अपडेट मिलेगा, वो पूरा ऑथेंटिक होगा, ठीक है।